उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सभी वर्गों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं कि जनहित को लेकर इस सत्र में कुछ राहत मिलेगी। जनपद रुद्रप्रयाग में व्यापारी वर्ग खासा परेशान नजर आ रहा है। जिला उद्योग व्यापार संघ के महामंत्री चंद्रमोहन सहमवाल तथा नगर व्यापार अध्यक्ष राय सिंह विष्ट का कहना है कि सरकार इस विधानसभा सत्र में व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेगी, क्योंकि जिस प्रकार ऑनलाइन बिजनेस के कारण बाजारों में व्यापारियों के धंधे प्रभावित हो रहे हैं, वहीं गरीब और छोटे व्यापारी परेशान हैं। ऐसे में सरकार को व्यापारियों के हित को गंभीरता से लेना होगा, साथ ही छोटे व्यापारियों का भी बीमा किया जाना चाहिए। वहीं विधानसभा सत्र देहरादून के लिए रवाना होने से पहले रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि विधानसभा का यह विशेष सत्र महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सम्मान नागरिक संहिता UCC विधेयक सदन में पेश होगा और उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। इसके साथ ही कई अहम बिंदुओं पर भी सदन की मोहर लगेगी। उत्तराखंड समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे कि 5 तारीख से जो हमारा सत्र चलेगा, मेरी यह आग्रह है, सरकार से यह मांग है कि हमारे छोटे व्यापारियों को भी मद्देनजर देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनके हित के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लाएं। और दूसरी बात यह है कि जो ये ऑनलाइन का है, इस ऑनलाइन के कारण जो है हमारा जो है व्यापार जो है बहुत प्रभावित हो चुका है। जो भी सामान जो है ऑनलाइन द्वारा आ रहा है, तो उससे हमारी व्यापारी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरी सरकार से यह मांग है कि ऑनलाइन का जो ये काम है जो है ये इसको बंद किया जाए। देखो, जो निचले तबके के हैं और मध्यम वर्ग के जो है व्यापारी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि बजट सत्र से जो है उनको कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार ने जो है सारा ऑनलाइन कर दिया है। GST हम लोग भर रहे हैं और जो है सरकार जो है इस पर प्रतिबंध लगा देती है, तो निश्चित तौर पर जो है सभी व्यापारियों का जो है उत्तराखंड के अंदर फ़ायदा हो सकता है। नंबर एक। नंबर दो, जो है छोटे व्यापारियों का बीमा होना चाहिए। बड़े GST वाले व्यापारियों का तो सरकार ने बीमा कर दिया है, लेकिन छोटे व्यापारियों को अकस्मात कोई घटना घट जाती है तो उनको कुछ सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिलता, इसलिए जो है उनका भी बीमा होना चाहिए। एक पूरी संभावना है इस बात की कि इस सत्र में जो समान नागरिक संहिता का बिल संभवतः पेश होगा और इस तरह से उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर UCC समान नागरिक संहिता लागू होगी, तो बहुत ही उत्साहित हैं सभी विधायक इस बात को लेकर के कि उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। साथ ही कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव एवं गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। उत्तराखंड समाचार के लिए सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। बिल पर विचार होगा और संभवतः इस सत्र में वो सदन में पेश किया जाएगा।